निमी का नंबर है 3.10 आपके पास। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज 9 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ चार्ज 4 × 10⁻⁷। कुला आपके पास एक चार्ज है, डेट इज चार्ज ऑफ Q1 कंसिडर कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इज 4 × 10⁻⁷ कुलम और डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को लिखेंगे 9 × 10⁻²। और यहाँ पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट का उन्होंने क्या पूछा हमसे? पोटेंशियल। तो फर्स्ट पार्ट जो है पोटेंशियल, फॉर्मूला आपको पता है कि P पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, K Q / कितना R। K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁷ कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना गिवन है 9 × 10⁻²। सॉल्व आउट करें, 9 × 9 कैंसिल आउट, −2 से कैंसिल आउट करोगे −K 5, −5 से कैंसिल आउट किया कितना बचा के पास +4। डेट इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज 4 × 10⁴ वोल्ट। ये तो पोटेंशियल आया किस पॉइंट का आपके पास? ए पॉइंट का आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो उसके बाद क्या बोला है, नाउ व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज। इसके आगे का डाटा लिखा नहीं हम लोगों ने, मैं लिख देता हूँ। 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी इन्फाइनाइट टू डेट पॉइंट, डेट पॉइंट डज दिस वर्क डिपेंड ऑन डेट पार्ट विच अलोंग इट्स मूव। ये है कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन देखिए क्या है सेकंड वाला, नाउ व्हाट इज द वर्क डन। आपको अब क्या निकालना, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, एक अनोदर चार्ज है, कितना चार्ज है वो 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। देखिए इस स्ट्रक्चर दोबारा से बनाता हूँ। पहले आपके पास चार्ज गिवन था Q1, उससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट था, और इस P पॉइंट का आपने क्या निकाला, पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल कितना आया 4 × 10⁴ वोल्ट आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। नाउ आपको कहाँ बता गया, अब इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे एक अनदर चार्ज कौन है, Q2, और इस Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁹ कूलम, 2 × 10⁻⁹। अब कहता है कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को कहाँ लेके आते हैं, इस P पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ कितना वर्क डन होगा, इन्फिनिटी टू पी पॉइंट पे आप लेके आ रहे हैं, तो इसका कितना वर्क डन होगा, वो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में आपको कंक्लूजन देना है। दज दिस वर्क डन ऑन डेट पार्ट विच अलोंग इट मूव, क्या ये वर्क डन डिपेंड करता है इस पाथ के ऊपर जिससे ये आया है। तो देखो पहले तो हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, वर्क डन कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू पी पॉइंट। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल एट डेट पॉइंट मल्टीप्लाई ब्रिंग चार्ज। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू क्या हो जाएगा क्यू वी, जहाँ वी क्या है उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, और क्यू क्या होता है वो चार्ज जिसको हम कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से आपके पास चलाने वाला चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट डेट पॉइंट, कहाँ जा रहे हैं पी पे, और पी का पोटेंशियल मुझे पता है कितना है 4 × 10⁴ मल्टीप्लाई ब्रिंग चार्ज, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो आप 2 × 10⁻⁹। सॉल्व आउट करेंगे इसको आप लोग, तो टोटल कितना आएगा आपके पास, 4 × 2 कितना बन जाएगा 8 × 10⁻⁴ और 10⁻⁹, टोटल कितना होगा आपके पास 10⁻⁵ कितना −5। वर्क डन है यूनिट क्या आएगा, जूल, ये तो आंसर हुआ। दूसरा वर्क डन कैसी क्वांटिटी, कंजर्वेटिव आपके पास, तो ये जो कंजर्वेटिव क्वांटिटी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो हम बोलेंगे डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। डेट आंसर क्या लिखा जाएगा, नो, ये इसका डिक्लेरेशन है।